हे हाय, मैं निशिकांत, मेरे YouTube चैनल में आपका सबका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे कि लैंडस्केप कैसे बनाएं। तो ये जो लैंडस्केप है, ये बिगिनर के लिए ही बहुत उपयुक्त है। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए 100% कॉटन का पेपर, देन सेबल है ब्रशेस, और एक आपको क्लच पेंसिल या लेड पेंसिल आप ले सकते हैं। अभी स्टार्टिंग में हम करेंगे एक हल्का सा ड्रॉइंग, ज्यादा डार्क ड्राइंग नहीं करना है आपको। पेंटिंग करते समय एकदम हल्का हल्का हाथ से आप ड्राइंग कर सकते हैं। तो फिर ड्राइंग होने के बाद आपको जो पार्ट्स में स्काई वगैरह करना है, वहां पे थोड़ा हल्का सा आप वॉश लगा सकते हैं वाटर का। तो हल्का आप वाटर लेके उसको ऊपर की तरफ हल्का सा उसको स्प्रेड कर दीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज करना है। अभी ये बड़ा ब्रश यूज होने के बाद हमें नीचे की तरफ हल्का सा थोड़ा ग्रे स्टोन दिख रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू एंड ब्रंट अम्बर यूज कर रहा हूँ। अभी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मुझे हल्के हल्के जो ग्रे टोन्स दिखाई दे रहे हैं, उसको भी मैं थोड़ा ब्रंट अम्बर एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ एड करूंगा। जो स्काई के दोनों स्काई के बीच में हमें जो क्लाउड का शेप्स आ रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा सा कोबाल्ट ब्लू हल्का सा उसके अंदर अल्ट्रामरीन ब्लू ऐड करूंगा। हल्का हल्का सा हमें जो दिख रहे हैं शेप्स, उसको थोड़ा सा हल्का सा हम डार्क कर सकते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा सा हमें ग्रे टोन्स और ऊपर की तरफ हम थोड़ा ग्रे टोन्स, उसके लिए हम ब्रंट अम्बर एंड कोबाल्ट ब्लू ले सकते हैं। आपको और थोड़ा सा हल्का सा डार्क चाहिए तो आप थोड़ा उसके अंदर अल्ट्रामरीन ब्लू भी ऐड कर सकते हैं। ये सब हमें वेट ऑन वेट टेक्निक में ही कंप्लीट करना है। अगर अब वो कलर सूख जाता है तो आपको जो स्काई का जो सॉफ्ट शेप से वो नहीं मिलेंगे आपको। तो मेरा पेपर अभी तक वेट ही है। मैं जो ये ब्रश यूज कर रहा हूँ वो चाइनीज कैलीग्राफी ब्रशेस है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में या लिंक डाल दूंगा मटेरियल की, आप वो बाद में देख सकते हैं। ऊपर की तरफ में हल्का सा डार्क ब्लू ऐड करूंगा। अभी जैसा ऊपर का पार्ट हमने किया था, तो उसके नीचे का जो वाटर का पार्ट है, उसके लिए मैं थोड़ा सा टर्कवाइज ब्लू, सैप ग्रीन, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा मैं ब्लू और सैप ग्रीन दोनों का मिक्सिंग हम यूज करने वाले हैं। तो जो वाटर का जो लाइट एंड डार्क जो शेप है वह हम पहले पेंट करके लेंगे। फिर जैसे जैसे जो जहाँ पे हमें डार्क पार्ट दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मैं अल्ट्रामरीन ब्लू एंड सैप ग्रीन उन दोनों का मिक्सिंग हम डाल देंगे। अगेन ऊपर की तरफ जहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मैं सैप ग्रीन एंड अल्ट्रामरीन ब्लू लेके थोड़ा सा वो वेट एंड वेट टेक्निक के अंदर ही उसको मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा। ऊपर थोड़ा सा जो हमें डार्क दिख रहा है उसके अंदर थोड़ा सा मैं वायलेट देन थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू, जैसे दूर की तरफ जा रहे हैं तो अल्ट्रामरीन ब्लू के साथ हल्का सा मैं सॉफ्ट कर रहा हूं। जहां पे हमें ज्यादा ब्राइट ग्रीन दिख रहा है वहां पे मैं थोड़ा सा सैप ग्रीन एंड लेमन येलो हल्का सा थोड़ा सा उसके अंदर क्रोम येलो हम डाल देंगे। नीचे की तरफ हल्का सा और मैं डार्क करने की कोशिश करूंगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ब्राउन, उसका मिक्सिंग थोड़ा सा मैं डार्क साइड के लिए यूज करूंगा। जो मेरा राइट साइड है वहां पे हम थोड़ा सा ब्राउन कलर, अल्ट्रामरीन ब्लू, इसके थोड़ा सा डार्क टोन हम डाल देंगे। जहां जहां पे थोड़े थोड़े हमें हल्के हल्के से डिटेल देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा मैं ब्लू का शेड्स अभी मैं डाल रहा हूं। तो ऑलमोस्ट ये पेंटिंग
एक लेवल तक आ चुका है, तो अभी हमें जो काम बचा है वो है उसकी डिटेलिंग्स। अभी हम जहाँ जहाँ पे कुछ हमें ग्रास दिख रहे हैं, जहाँ पे कुछ वाटर की एक वेव्स दिख रहे हैं, वो हम सब उसके अंदर डाल दें। जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा हल्का सा डार्कनेस हम उसके अंदर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस हल्के हल्के से आप डिटेल्स बढ़ाते रहिए डार्क ऐड करके। जो बीच में हल्का सा एक स्टोन का पार्ट दिख रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा येलोइश वॉकरिश स्टोन डाल के फिर उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा मैं डेप्थ ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा पर्शियन ब्लू लेके जो और भी कुछ डेप्थ है वो थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐड कर लेंगे। अभी इस पार्ट को थोड़ा सा हल्का सा पूरा अभी थोड़ा वेट है, थोड़ा हमें सूखने के लिए हेयर ड्राई हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम गीले के अंदर ही दूसरा लेयर करते करते जाएंगे तो शायद नीचे का कलर निकल सकता है, जो हमें डार्कनेस चाहिए वो नहीं मिलता। तो उसके ऊपर मैं हल्का सा ब्लू का एक वॉश लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो वाटर है वो थोड़ा सा डार्क चाहिए ताकि जो हमें डेप्थ मिल रहा है वो और हमें डेप्थ मिल जाए। तो बस हल्का हल्का सा एक जो डार्क टोन है वो बढ़ाते रहिए। जो नीचे का वाटर का पार्ट है वो ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा सैप ग्रीन एंड थोड़ा सा वायलेट थोड़ा सा ब्लू ये सब मैं ऐड कर रहा हूँ।
तो बस इस तरह से हम अपना बेसिक लैंडस्केप आप कर सकते हैं। तो आई होप आपने ये इंजॉय किया रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ जो बेल आइकॉन है उसको आपको प्रेस करना है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एवरीवन।